वेलकम टू कॉग्निजेंस ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आज मैं आपके साथ ए डी एफ आई ए का पेपर शेयर करने जा रहा हूँ जो तो कि एफ पी एस सी ने टू थाउजेंड थर्टी में कंडक्ट किया था उम्मीद करता हूँ ये पेपर आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं ए डी एफ आई ए के पेपर में चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर वन है इन मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज स्पेशल इक्विटी कोर्स एग्जिस्ट ऑप्शन है अमेरिका बी है इंग्लैंड ऑप्शन सी पाकिस्तान ऑप्शन डी इंडिया तो करेक्ट आंसर है इंग्लैंड क्वेश्चन नंबर टू है द पॉलिटिक्स इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट बुक ऑन द आर्ट ऑफ गवर्नमेंट आइडेंटिफाई अब ये बुक का पूछ रहा है कि ये किसने लिखी है सोक्रेट्स तो ने लिखी है प्लेटो ने अरेस्टोटल ने एडम स्मिथ ने इसका करेक्ट आंसर है अरेस्ट अरेस्टोटल क्वेश्चन नंबर थ्री है द थॉमस कप इज गिवन फॉर द गेम ऑफ ऑप्शन ए द लॉन टेनिस ऑप्शन बी गोल्फ ऑप्शन सी टेबल टेनिस ऑप्शन डी बैडमिंटन करेक्ट आंसर है बैडमिंटन क्वेश्चन नंबर फोर है द नोबल प्राइज फॉर पीस इज गिवन इन द सिटी ऑफ ऑप्शन ए है स्टॉकहोम बी ऑप्सलो ओस्लो, सी ब्रुसेल्स, डी कोपेनहेगन। तो इसका करेक्ट आंसर है ओस्लो। क्वेश्चन फाइव है आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट पेनसूला ऑप्शन ए अलास्का ऑप्शन बी स्कैंडिनेविया, ऑप्शन सी अरेबिया ऑप्शन डी लेबराडो तो उसका करेक्ट आंसर है अरेबिया क्वेश्चन सिक्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ऑप्शन ए ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर ऑप्शन बी ट्वेंटी सिक्स हंड्रेड किलोमीटर ऑप्शन सी थर्टी टू हंड्रेड किलोमीटर ऑप्शन डी थर्टी फोर हंड्रेड किलोमीटर तो इसका करेक्ट आंसर है ट्वेंटी फोर हंड्रेड किलोमीटर क्वेश्चन सेवन है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी ए पेंक्रियास बी लेक्रीमल सी लिवर डी स्वीट ग्लैंड तो करेक्ट ऑप्शन है सी लिवर क्वेश्चन एट इज द फाउंडर ऑफ स्काउट मूवमेंट ऑप्शन ए रॉबर्ट बैडन पॉवल बी ई लॉरेंस सी मैकोल डी निकोबा टेस्ला उसका करेक्ट ऑप्शन है ए रॉबर्ट बैडन पॉवन क्वेश्चन नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर नाट में लाउस मादागस्कर डोमिनिका बी मोनाको सैन मेरिनो वेस्टर्न सोमोस सी ब्रूंडी कैपर्डे स्विटरलैंड डी आल आर मेंबर्स उसका करेक्ट ऑप्शन है बी मोनाको सेंट मेरीनो वेस्टर्न सोमोस क्वेश्चन टेन है इंटरनेशनल डेट लाइन इज लोकेटेड ऑन वन एटी डिग्री लेटिट्यूड बी वन एटी डिग्री लॉन्गिट्यूड सी नाइनटी डिग्री लेटिट्यूड डी नाइन्टी डिग्री लॉन्गीट्यूड उसका करेक्ट ऑप्शन है बी वन एटी डिग्री लॉन्गी क्वेश्चन अलेवन है द फर्स्ट पाकिस्तानी हु बिग गेम द जज ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फॉर ए दुराब पाटेल बी एम आर क्यानी सी सरजफरुल्ला खान डी नन ऑफ दीज तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी सरजफरल्ला खान क्वेश्चन ट्वेल्व दू एन सेक्रेटरी ऑफ काउंसिल कंसिस्ट मेंबर्स ए बी 11 मेंबर्स सी फिफ्टीन मेंबर्स डी ट्वेंटी मेंबर्स करेक्ट ऑप्शन है सी फिफ्टीन मेंबर्स क्वेश्चन थर्टीन द स्वेज कैनाल कनेक्ट्स ए इंडियन ओशन विथ पैसिफिक ओशन बी एटलांटिक एंड साउथ चाइना सी सी ब्लैक सी एंड मेडिटेर सी डी मेडिटेर एंड रेड सी तो इसका करेक्ट ऑप्शन है मेडिटेन एंड द रेड सी क्वेश्चन फोर्टीन है देड क्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इज एट ए जाकर्ता, बी टोकियो सी कोलाम्पो डी मनीला उसका करेक्ट ऑप्शन है डी मनीला क्वेश्चन फिफ्टीन है विच स्ट्रेट सेपरेट इंडिया फ्राम श्रीलंका ऑप्शन ए है दल्क स्ट्रेट बी मलक्का स्ट्रेट ऑफ हरमूज

सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ट्वेंटी थ्री बी ट्वेंटी सिक्स सी फोर्टी सिक्स डी फिफ्टी सिक्स उसका करेक्ट ऑप्शन है ए ट्वेंटी थ्री ये क्वेश्चन आपने अगेन कन्फर्म कर लेना है क्वेश्चन ट्वेंटी वन है एन ऑर्डिनेंस प्रोमलगेटेड बाय प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेंट्स रिपील्ड एट द एक्सपायरेशन ऑफ ए थ्री ईयर्स बी फोर ईयर्स सी सिक्स ईयर्स डी नाइन ईयर्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए थ्री क्वेश्चन ट्वेंटी टू नो पर्सन शेल बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तानी का जज बनता है उसको हाई कोर्ट में कितना टाइम पीरियड काम करना चाहिए ये वो पूछ रहा है कि वो ए फाइव ईयर्स बी सेवन ईयर्स सी नाइन ईयर्स डी फिफ्टीन ईयर्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फाइव ईयर्स व फंक्शन ऑफ इंटरनेट टू रिसीव ई मेल बी टू एडवर्टाइज कमर्शियल प्रोडक्ट्स सी टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनादर ऑल ऑफ दीज उसका करेक्ट ऑप्शन है टू कनेक्ट वन कंप्यूटर टू अनादर क्वेश्चन ए दसचेंज रेट ऑफ करेंसी मार्केट बी द एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी डिटर सी ऑल सार्ट ऑफ मॉनिटरी डीलिंग इन फॉरन करंसीद स्टॉक एक्सचेंज दी नन ऑफ दीज तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी ओपन मार्केट क्वेश्चन ट्वेंटी पाकिस्तान बिगिन टू बी कलेक्टेड फ्राम द ए रबी क्रॉप ऑफ नाइनटीन एटी टू खरीफ क्रॉप ऑफ नाइनटीन एटी वन एटी टू सी रबी क्रॉपीन एटी थ्री एटी फोर डी नन ऑफ अबो करेक्ट ऑप्शन है रबी क्रॉप मेंशियर शुरू हुआ था क्वेश्चन 26 से आइडेंटिफाई द पाकिस्तान स्टैंड पॉइंट ऑफ फाइसाइल मटेरियल कट ऑफ टीटी एफएमसीटी जैसे कहा जाता है टीटी को ऑप्शन ए है एग्जिस्टिंग स्टॉक पाइल्स ऑफ फाइसाइल मटेरियल अबाउट शुड बी सॉरी शुड बी इंक्लूडेड इन रिव्यू आफ्टर टीटी ऑप्शन बी है एफएमसीटी शुड बैन द प्रोडक्शन ऑफ फाइसाइल मटेरियल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स आफ्टर टीटीज कट ऑफ डेट

न्यूक्लियर नॉन पोलीफ्रेशन ट्रीटी का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें यह हुआ था कि यह ट्रीटी हुई थी और इसमें जिन जिन ने मुल्कों ने ज्वाइन किया था उन, उनका ये माह था कि हमने न्यूक्लियर को जो इंक्रीज है जो न्यूक्लियर पावर बढ़ता जा रहा है उसको डिक्रीज करना है इसको कहा जाता है नॉन प्रोलीफ्रेशन ट्रीटी तो बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ ए बेलारूस कज़ाकस्तान यूक्रेन बी कजाकस्तान इस्टोनिया जॉर्जिया सी बेलारूस लैथविया तुर्कमेनिस्तान डी जॉर्जिया यूक्रेन आजरबाइया तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेलारूस कजास्तान यूक्रेन वो कंट्रीज थे सॉरी क्वेश्चन ट्वेंटी एट वच ऑफ द फॉलोइंग रीन ग्रेट ग्रीक पोलिटिकल फिलोसोफर हैज रिटन इन हिज फेमस बुक द रिपब्लिक दैट जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रोंगर पार्टी ए प्लोटो बी अरिस्टोटल सी सोक्रेट्स डी एपिक्यूरस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्लेटो क्वेश्चन ट्वेंटी ग्रुप ऑफ चेन ऑफ कॉल्ड आर्किपेंको आर्किपेलागो तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्किपेलागो क्वेश्चन थर्टी है इंडिकेट द करेक्ट आंसर ये इन्वेंशन है और इसका इन्वेंटर है अब ऑप्शंस देखते हैं टेलीविजन जॉन प्लॉगीबेर बी टॉरपेडो सैम्यूल मोर्स सी टेली टेलीग्राफ लोगर आईवन सिक्ससी हेलीकॉप्टर रॉबर्ट वाइट हेड तो उसका करेक्ट ऑप्शन है टेलीविजन जॉन लोगी बेहट क्वेश्चन थर्टी वन है द फेमस बुक ऑन उशर इन टाइटल किताबुल खरज वॉज रिटन बाय अल मवारी बी अबू यूसुफ बिन इब्राहिम सी यूसुफ अल करादवी डी इमाम अबू हनीफा तो इसका करेक्ट ऑप्शन है यूसुफ बिन इब्राहिम क्वेश्चन थर्टी टू अंडर द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस अ पर्सन हु कमिट्स द ऑफेंस ऑफ करप्शन शल बी पनिशेबल विद इमेंट फॉर अ टर्म मे एक्सटेंड टू ए ट्वेल्व ईयर्स बी फोर्टीन ईयर्स ईयर डी ट्वेंटी ईयर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी फोर्टीन ईयर्स क्वेश्चन थर्टी थ्री क्रिस्टोफर कोलम्बस वास ए फ्रेंच नेविगेटर बी जर्मन नेविगेटर सी इटालियन नेविगेटर डी ब्रिटिश नेविगेटर तो करेक्ट ऑप्शन है सी इटालियन नेविगेटर क्वेश्चन थर्टी फोर है न्यूज एजेंसी ऑफ ए इसराइल बी ईरान सी यूनाइटेड स्टेट डी रशिया तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी रशिया क्वेश्चन थर्टी फाइव है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्शन टू रिटेन ब्रिटिश रूल इन नॉर्दर्न आईलैंड ए सिनफिन बी आयरिश रिपब्लिकन आर्मी सी प्लस्टर यूनियनिस्ट डी नन ऑफ़ नीस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी प्लस्टर यूनियनिस्ट क्वेश्चन थर्टी सिक्स द बुक एन टाइटल पंजाब चीफ्स वॉज रिटन बाय ए पारसी ब्राउन बी सर जॉन मार्शल सी गेवन हेमले, डी सर लेपेल एच करेक्ट ऑप्शन है डी सर लेपेल एच गर पी सी स्टैंड वा ए क्रिमिनल पुलिस केस बी क्रिमिनल पुलिस कोर्ट सी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डी क्राइम्स इन पुलिस कस्टडी तो उसका करेक्ट ऑप्शन है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्वेश्चन थर्टी एट द बोफर्स स्कैंडल अकर्ड इन ए इटली बी स्वीडन सी जापान डी इंडिया तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी इंडिया क्वेश्चन थर्टी नाइन वाट इज द केथी पैसिफिक ए आईलैंड बी न्यूज पेपर सी न्यूज एजेंसी डी एयरलाइन तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी एयरलाइन क्वेश्चन 40 मोरो इस्लामिक लिबरेशन फ्रंट इज स्ट्रगलिंग फॉर इंडिपेंडेंस इन ए मिंडानाओ बी मोजम्बिक सी चेचनिया डी ईस्ट जावा तो उसका करेक्ट करेक्ट ऑप्शन है मिंडानाओ क्वेश्चन 41 अकॉर्डिंग टू 19th अमेंडमेंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड ए ज्यूडिशियल कमीशन बी प्राइम मिनिस्टर सी प्रेसिडेंट डी चीफ जस्टिस तो उसका करेक्ट ऑप्शन है जुडिशियल कमीशन क्वेश्चन फोर्टी टू अकॉर्डिंग टू नाइनटीन्थमेंट जुडिशियल अब इस सवाल में अगेन नाइनटीन अमेंडमेंट के बारे में बट कह रहे हैं कि जुडिशियल किस पे कंप्राइज करेगी तो ए चीफ जस्टिस बी लॉ मिनिस्टर सी अपोजिशन लीडर डी ऑल ऑफ देम तो डी करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द्वेश्चन फोर्टी थ्री वेस्ट इंडीज कंसिस्टेड ऑन कंसिस्ट ऑन हाउ मेनी आईलैंड ए थाउजेंड बी एलेवन हंड्रेड सी ट्वेल्व हंड्रेड डी फोर्टीन हंड्रेड तो करेक्ट ऑप्शन है सी ट्वेल्व हंड्रेड क्वेश्चन फोर्टी फोर इज अ सीक्रेट एजेंसी ऑफ ए इंडिया बी यूएसए सी रशिया डी इसराइल करेक्ट ऑप्शन है इंडिया क्वेश्चन फोर्टी फाइव के जी बी इज अ सीक्रेट एजेंसी ऑफ ए रशिया बी इटली सी अमेरिका डी नन ऑफ ननावदीप उसका करेक्ट ऑप्शन है ए रशिया अब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है केबीजी का फुल फॉर्म क्या है क्वेश्चन फोर्टी सिक्स सी आई इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ ए यूएसए बी यूके सी कैनेडा डी इंडिया तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए यूएसए अगेन आपने बताना है सी आई ए का फुल फॉर्म क्या है क्वेश्चन फोर्टी सेवन एम आई सिक्स इज द नेम ऑफ सीक्रेट एजेंसी इट इज हेड क्वार्टर इज लोकेटेड इन ए पेरिस बी मॉस्को सी लंडन डी न्यूयॉर्क उसका करेक्ट ऑप्शन है सी लंडन ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू सी क्यू है अक्सर टेस्ट में आता रहता है क्वेश्चन फोर्टी एट द सीक्रेट एजेंसी ऑफ ए इसराइल बी इंडिया सी यूएसए डी डेनमार्क तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए इसराइल क्वेश्चन फोर्टी नाइन है नेम टू प्लान लाइंग बिटवीन द सन एंड द अर्थ ए मरकरी एंड मार्स बी वेनस एंड मार्स सी मरकरी एंड वेनस डी जुपिटर एंड तो उसका करेक्ट ऑप्शन है सी मरकरी एंड वेनस क्वेश्चन फोर्टी है द बिगेस्ट प्लान इज ए वेनस बी मार्स सी मरकरी डी जुपिटर तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी जुपिटर क्वेश्चन फिफ्टी वन है विच प्लानिट इज नोन एज वाटरी तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ए अर्थ अर्थ को वाटरी प्लानिट कहा जाता है क्वेश्चन फिफ्टी टू है एरियाज विच मूव अबाउट ऑन द सन सरफेस इन शो अप एज डार्क स्पॉट्स तो वो कौन से कूलर एरियाज हैं ए रेड स्पॉट्स बी ब्लू स्पॉट्स सी ग्रीन स्पॉट्स सी सन स्पॉट्स तो वह है सन स्पॉट्स क्वेश्चन फिफ्टी थ्री है व रैंक ऑफ अर्थ इन सोलर सिस्टम इन टर्म्स ऑफ साइस ए थर्ड बी फोर्थ C. 5th D. 6th So, correct option is C. 5th Question 54 The earth revolves around the sun at the speed of A. 18.5 kilometer per second B. 26.6 km per second C. 29 kilometer per second D. 31.9 km per second Correct option is B. 26.6 kilometer per second Question 55 The theory that refers to an explosion about 15 billion years ago कुछ मोस्ट एस्ट्रोनोमर्स बिलीव टू बी दिजन ऑफ यूनिवर्स इस कार्ड ए द रेड शिफ्ट थ्यूरी बी द रिलेटिव थ्यूरी सी द बिग बैंग थ्यूरी डी द टाइटेनिक थ्यूरी तो वो आपकी बहुत ही फेमस थ्यूरी है बिग बैंग थ्यूरी क्वेश्चन फिफ्टी सिक्स व फॉलोइंग प्लान कंटेन द ग्रेट रेड स्पॉट ये भी काफी कॉमन सवाल आता रहता है हर टेस्ट में ए सेचून बी मार्स सी जुबिटर डी प्लूटो तो आपका करेक्ट ऑप्शन है सी जुपिटर क्वेश्चन फिफ्टी सेवन लाइट ईयर इज इक्वल टू सिक्स मिलियन किलोमीटर्स बी सेवन पॉइंट फाइव मिलियन किलोमीटर्स सी नाइन पॉइंट फाइव मिलियन किलोमीटर्स डी एलेवन मिलियन किलोमीटर्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नाइन पॉइंट फाइव जीरो मिलियन किलोमीटर्स लाइट ईयर बेसिकली यूनिट है डिस्टेंस का क्वेश्चन फिफ्टी एट विच प्लान इज लीस्ट डेंस ए मर्की बी मार्स डी अर्थ तो उसका करेक्ट ऑप्शन है सी सेचून क्वेश्चन है काजी नजरुल इस्लाम इज द नेशनल पॉइंट ऑफ ए तुर्की बी ईरान सी इराक डी बांग्लादेश तो करेक्ट ऑप्शन है डी बांग्लादेश क्वेश्चन सिक्सटी है व्हाट इज द करेंसी ऑफ जमैका ए पाउंड बी पैसो सी डॉलर डी फ्रैंक तो करेक्ट ऑप्शन है सी डॉलर क्वेश्चन सिक्सटी वन है

डी इंग्लिश फ्रेंच रशियन चाइनीज अरेबियन स्पेनिश तो करेक्ट ऑप्शन है डी इंग्लिश फ्रेंच रशियन चाइनीज अरेबियन स्पेनिश छह ऑफिशियल लैंग्वेजेज डी विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज असेंशियल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर्स ए कोबाल्ट बी निकिल सी जरकोनियम डी टनस्टन करेक्ट ऑप्शन है सी जरकोनियम क्वेश्चन सिक्सटी फोर है द लार्जेस्ट पेनसुला इन द वर्ल्ड इज ए साउदर्न इंडिया बी ईस्टर्न इंडिया स्का डी अरेबिया तो करेक्ट ऑप्शन है अरेबिया क्वेश्चन सिक्सटी फाइव क्यूबा इज एन आइलैंड ऑफ सॉरी ये एन है यहाँ पे एन मिस्टेक है ये क्यूबा इज एन आइलैंड ऑफ ए पैसिफिक ओशन बी कैरिबियन ओशन सी इंडियन ओशन डी एटलांटिक ओशन तो करेक्ट ऑप्शन है कैरिबियन ओशन क्वेश्चन सिक्सटी सिक्स फाइंड एवरेज ऑफ अभी मैथ का क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज ऑफ टू ए माइनस थ्री ए फोर ए सिक्स एवन ए थ्री एप्शन ए है एटीन पॉइंट सेवन ए बी एट पॉइंट जीरो वन ए सी सिक्सटीन पॉइंट फाइव ए डी नन ऑफ दिस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी एट पॉइंट जीरो वन ए मैं इंशाल्लाह मैथ का सीरीज़ शुरू करूंगा जिसमें हम एवरेज सीखेंगे उसके फार्मूलाज सीखेंगे वहाँ पर इंशाल्लाह आपका ये क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन सिक्सटी सेवन है फाइन द एवरेज ऑफ फोर ए माइनस फोर एट ए माइनस एट ए अगेन एवरेज का क्वेश्चन है ऑप्शन ए जीरो करेक्ट ऑप्शन है सी जीरो आपने सॉल्व करना है पेज पे क्वेश्चन सिक्सटी एट है फाइन द एवरेज ऑफ वन बाई टू वन बाय फोर वन बाय सिक्स वन बाई एट इसका ऑप्शन ए है जीरो पॉइंट थ्री एट नाइन बी है जीरो पॉइंट फोर वन सिक्स सी है जीरो पॉइंट टू सिक्स जीरो डी है जीरो पॉइंट फोर वन नाइन तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी जीरो पॉइंट टू सिक्स जीरो सॉल्व करके कन्फर्म करना है कि यही आंसर आ रहा है या नहीं क्वेश्चन सिक्सटी नाइन है फाइंड द एवरेज ऑफ थ्री बाई टू थर्टीन बाई टू ट्वेंटी थ्री बाई टू ऑप्शन ए है सिक्स पॉइंट फाइव बी है एटी वन पॉइंट जीरो फोर सी है फोर्टी थ्री पॉइंट फोर सिक्स डी है फिफ्टी वन पॉइंट फोर नाइन इसका करेक्ट ऑप्शन है सिक्स पॉइंट फाइव क्वेश्चन सेवेंटी है फाइन द एवरेज ऑफ टू एक्स एक्स एट एक्स टेन एक्स ट्वेल्व एक्स ऑप्शन ए है ट्वेंटी वन एक्स डी है नाइनटीन एक्स सी है थर्टी फोर एक्स डी है फिफ्टी वन एक्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नाइनटीन एक्स अब यहाँ पे ये डायरेक्शन बताई गई है अगले क्वेश्चन के लिए तो इसमें क्या है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन गिटरनेटिव चूज वन विच इज बेस्ट एक्सप्रेसिस मीनिंग ऑफ वर्ड तो यहाँ पे आगे सनानियम्स होंगे आपके क्वेश्चन सेवनटी वन है कॉन्ग्रीगेशन अब इसका हमने ऑप्शन में से सर देखना है ए असेंबली बी मीटिंग सी कॉम्बिनेशन डी कलेक्शन तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ए असेंबली क्वेश्चन सेवेंटी टू है, हैसल हैसल का सनियम क्या होगा देखते हैं ए ग्रीड बी रेंगल सी गोसिप, डी जेलसी तो उसका करेक्ट ऑप्शन है रेंगल। सेवेंटी थ्री है कंडेम कंडेम का क्या सरोनियम होगा अंडर बी हेट सी ब्लेम डी अवॉइड तो इसका है ब्लेम क्वेश्चन सेवेंटी फोर फिकल ए ऑप्शन है कांस्टेंट, बी है नर्वस सी है चेंजेबल डी है पुअर तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी चेंजेबल क्वेश्चन सेवेंटी फाइव है रोटन ऑप्शन ए फ्लेट बी फेट सी फूलिश डी वीक ये बी -E के डब्ल्यू ई ए के स्पेलिंग मिस्टेक है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी फेट क्वेश्चन सेवेंटी सिक्स है डेलीरियस उसका ऑप्शन ए है कॉन्टेंट बी हैप्पी सी इनसेन डी अम्यूज तो उसका करेक्ट ऑप्शन है सी इनसेन क्वेश्चन सेवनटी सेवन है एक्स्ट्रा बैगेंस so, उसका ए है प्रोफिलीगेसी बी है स्पेक्टिक्यूलर सी है ओवर रीचिंग डी है फाल्सिफिकेशन तो so, उसका करेक्ट ऑप्शन है स्पेक्टिक्यूलर क्वेश्चन सेवनटी एट है डिटेक्ट डिटेक्ट का सिनोनियम है ए ऑप्शन है हमारे पास डिस्कवर बी है इन्वेंट सी है डिटरमाइंड है फिक्स तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए डिस्कवर अब अगले क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ गिंग चूज द वन दुच बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग ऑफ इटालीसाइज बोल्ड पार्ट ऑफ द सेंटेंस अब यहां पे सेंटेंस दिया होगा उन्होंने एक अंडरलाइन और इटालीसाइज वर्ड किया होगा उसकी हमने मीनिंग सर्च करनी है देखते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन सेवनटी नाइन है ब्रेविटी पेज इन डिबेट अब यहाँ पर ब्रेविटी को अंडरलाइन भी किया हुआ है और इसको इटालीसाइज भी किया हुआ है तो इसकी मीनिंग ढूंढनी है ऑप्शन ए तो है कॉन्शियसनेस कंसाइजनेस बी शार्पनेस सी क्विकनेस डी कॉन्फिडेंस इसका करेक्ट ऑप्शन है ए कंसाइजनेस। क्वेश्चन ए है द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज इंटरसेप्टेड थिक कैरिंग आर्म्स एंड एम्यूनेशन तो यहाँ पे इंटरसेंट इंटरसेप्टेड का हमने सिनोनियम देखना है ऐसे क्वेश्चन में आपसे वो मीनिंग ही पूछता है बट अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्सट ऑफ सेंटेंस पूछता है तो इसका ए है फाउंड बी है स्टॉप सी है मेट डी है इंटरप्टेड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी स्टॉप्ड क्वेश्चन एटी वन है ट्रांसपेरेंट अब ट्रांसपेरेंट का हमने यहाँ पे मीनिंग देखनी है यानी कि सिनोनियम देखना है ए बिटी बी ल्यूसिड सी इन्वॉल्व डी वर्बोस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी ल्यूसिड क्वेश्चन एटी टू हैन एक्सपी एन एक्सपीडियस रिप्लाई तो ऑप्शन ए है एग्जैक्ट डी है स्लो सी है एलाबोरेट डी है प्रोम तो उसका करेक्ट ऑप्शन है प्रॉम्प्ट यानी कि क्विक क्वेश्चन एटी थ्री है ही डज नॉट नो अबाउट नो हाउ टू हेड हिज रिसोर्सेज अब यहां पे अंडरलाइन वर्ड है exact, ऑप्शन ए है मैनेज बी है गवर्न, सी है रूल डी है वॉच तो उसका करेक्ट ऑप्शन है मैनेज हेड बैंड मतलब मैनेज क्वेश्चन एटी फोर है योर प्रेजेंट स्टेटमेंट हैज एड माय फियर्स। ऑप्शन ए है रिलीव्ड, बी है ऑब्लिटरेटेड सी है डी है रेडिकेटेड तो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन एटी फाइव है इफ यू डोंट केयर ब्लेमिशेस ऑफ हिज स्टाइल राइटर हैज अ पावरफुल मैसेज टू कन्वे ब्लैमिश का हमने ढूंढना है कि उसकी मीनिंग ढूंढनी है ए एक्सिली क्वालिटी सीश डी फॉल्ट उसका करेक्ट ऑप्शन है फॉल्ट अब अगले क्वेश्चन के लिए डायरेक्शन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग ऑफ गिविन वर्ड अब हमने यहाँ पे एंटोनियम ढूंढना है अगले क्वेश्चन में देखते हैं एटी सिक्स कन्फेस कन्फेक्स का, का एंटोनियम क्या होगा ए ऑप्शन है कॉन्टेस्ट बी है रिफ्यूज सी है डिनाई डी है कॉन्टेंट तो इसका है एटी सिक्स का करेक्ट ऑप्शन है सी डिनाई कन्फेस का मतलब होता admit, C, deny मतलब है एडमिट मानना सी डिनाई मतलब इनकार करना क्वेश्चन एटी सेवन है इनफेलीबल इनफेलीबल का एंटोनियम क्या होगा ए डूबियस बीट्रस्टवर्दी सी रिंग डी अनरिलायबल तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ड्यूबियस क्वेश्चन एटी एट है गेदर गेदर का एंटोनियम क्या होगा ए सेपरेट बी सस्पेंड सी स्केटर डी स्पेंड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है स्केटर गेदर मतलब एक जगह जमा करना और स्केटर मतलब होता है फैलाना क्वेश्चन एटी नाइन है कंसपीक्यूस इसका एंटोनियम हो तो क्या होगा ए इनडिफरेंट बी हमलेस सी इनसिग्निफिकेंट डी अनोन तो उसका करेक्ट ऑप्शन है इन सिग्निफिकेंट क्वेश्चन नाइन्टी है लेविटी लेविटी का एंटोनियम क्या होगा सी ए स्टूपिडिटी बी ग्रेविटी सी लॉफटी डी एब्जर्डिटी तो उसका करेक्ट ऑप्शन है ई ग्रेविटी क्वेश्चन नाइनटी वन है गल्ट इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका यानी कि एंटोनियम क्या होगा ए डर्थ बी लिमिट सी रेन डी सप्लाई तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए डर्थ डर्थ मतलब होता है स्केरसिटी कमी किस चीज की गर्ट मीनस अबंडेश्चन नाइंटी टू है एरोमेटिक एरोमेटिक का अपोजिट क्या होगा ए टार्ट बी डिसबल सी सो डी ऑर्डरस तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑर्डरस क्वेश्चन नाइंटी थ्री है vivosious.

सोनोनियम्स देखने थे सेम मीनिंग देखनी थी बट यहाँ पे उसका अपोजिट देखना है देखते हैं क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है द वाइफ अवे लेमेंटिंग द डेट तो लेमेंटिंग का अब हमने यहाँ पे नीचे ऑप्शन में अपोजिट देखना है ए स्माइलिंग बी रिडिक्यूलिंग सी इंजॉय डी रिज्वाइसिंग उसका अपोजिट यानी कि एंटोनियम क्या होगा लेमेंटिंग का रिज्वाइसिंग

क्वेश्चन नाइनटी सेवन आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हिम ही इज रियली अ फेलो अब इसका अपोजिट देखना है हमने ए स्ट्रेंज बी केयरलेस सी ऑर्डरली डी अनयूजुअल तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑर्डनरी क्वेश्चन नाइनटी एट बुक्स आर वेल नोन फॉर देयर प्रोग्रेसिव आइडिया प्रोग्रेसिव का एंटोनियम देखना है नीचे ए यूजलेस बी ओल्ड फैशन सी कॉम्प्लेक्स डी रिएक्शनरी तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रिएक्शन बी क्वेश्चन नाइन्टी नाइन है इज एटीट्यूड इज वेरी हॉस्टाइल तो हॉस्टाइल का हमने अपोजिट मीनिंग देखनी है ए फ्रेंडली बी काइंड सी ह्यूमेन डी हेल्पफुल तो इसका अपोजिट है फ्रेंडली हॉस्टाइल मतलब वो जो दुश्मनी वाला होता है और फ्रेंडली मतलब दोस्ताना क्वेश्चन हंड्रेड टॉलरेंस इज द एसेंस ऑफ रिलीजन अब टॉलरेंस का हमने अपोजिट देखना है ए इम्पेशंस बी क्रलिटी सी बाइगोट्री डी इन तो उसका करेक्ट ऑप्शन है बायोगट्री अब आखिर में अब आप आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये पैटर्न ये क्वेश्चन पेपर 2013 का है अब जो है वो आपने सिलेबस के मुताबिक चीज़ें आती हैं उसमें उन्होंने पोर्शन वाइज क्लासीफाई किए क्वेश्चन आप यहाँ से इस पेपर से सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं और किस तरह के सवाल आते हैं और इनको देख के आप अपनी पोर्शन वाइज तैयारी भी कर सकते हैं थैंक यू अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा